जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, राम नाम जप से भूत प्रेत बाधा या ओपरी प्राय बाधा को कैसे दूर किया जाए, ये ऐसे कमेंट करके मेरे पास प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और मैं कई दिनों से इस विषय पर वीडियो बनाने की सोच भी रही थी, परंतु प्रभु की इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं है। जब उनकी आज्ञा हुई तो मैं तुरंत आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्रेमी भक्तजनों, आप सब इतना तो जानते ही हैं कि भूत प्रेत ये सब क्या होती हैं, ये सब दुष्ट आत्माएं होती हैं और इनको प्रोत्साहित करने वाले मनुष्य भी दुष्ट आत्मा ही होते हैं, जो कि तंत्र मंत्रों से उन्हें अपने वश में करके उनसे पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। प्यारे भक्तों, आप ध्यान से समझें कि जो मनुष्य प्रेत आत्माओं को वश में करके उनसे गलत कार्य करवाते हैं, वो इस लोक में भी दुख भोगते हैं और परलोक में भी उन्हें दुख ही मिलेगा, अर्थात उन्हें शांति नहीं मिलती, क्योंकि सब जानते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब आप ये जान लें कि किस तरह से भूत प्रेत बाधा या ओपरी प्राय के प्रकोप को दूर किया जा सकता है, कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है। तो प्रिय भक्तजनों, इसके लिए राम नाम सर्वोत्तम उपाय है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सार वस्तु केवल राम नाम है। भूत प्रेत बाधा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, राम नाम से ऐसी ऐसी बाधाएं दूर हो गई जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए प्यारे भक्तों, आप अपने घर में नियम से राम नाम जप करें, विश्वास के साथ, और जिसको भूत प्रेत बाधा है उसे जबरदस्ती राम नाम सुनाएं नियम के साथ। अगर आपके घर में एक भी व्यक्ति राम नाम जप करने वाला है तो उस घर में तो भूत प्रेत आ ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं आ सकता। इसी प्रकार जहाँ राम नाम जप का प्रकाश है वहाँ भूत प्रेत रूपी अंधेरा आ नहीं सकता। प्रेमी भक्तों, आप ये समझ लो, जिस परिवार में एक भी व्यक्ति राम नाम का पुजारी है, राम नाम का भक्त है, राम नाम का जाप करता है, उस घर के दरवाजे के अंदर भूत प्रेत प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो बेचारे भोले भाले मनुष्य हैं, जो राम नाम का जप नहीं करते, जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वही ये दुष्ट आत्माएं आकर उन्हें परेशान करती हैं। तो प्यारे भक्तों, आप परेशान न हो, आप तो सब राम भक्त हो, आपको ये भूत प्रेत कोई सता ही नहीं सकते। आप आज से ही राम नाम जप करें और जो भूत प्रेत से परेशान है, यानी किसी के घर में कोई भूत प्रेत बाधा है, कोई करी कराई बाधा है, ओपरी प्राय की कोई बाधा है, तो उनको भी जबरदस्ती राम नाम जपाएं, क्योंकि जिसके भी अगर कोई भूत प्रेत बाधा है घर में किसी इंसान के, तो वो जपेगा नहीं खुद, उसे जबरदस्ती जपाओ या फिर उसे सुनाओ। एक बात का ध्यान रखें, जो प्रेत आत्माएं होती है ना, उन्हें राम नाम जहर लगता है, इसलिए वो राम नाम नहीं जपना चाहती। आप उनके साथ जबरदस्ती करें कि राम नाम जप करो, जब उन आत्माओं को ये लगेगा कि हमको तो यहाँ पर राम नाम रूपी जहर पिलाया जाता है, तो वो दुष्ट आत्माएं या भूत प्रेत वहाँ से अपने आप ही भाग जाएंगी, क्योंकि जहाँ राम नाम का जप होता है वहाँ इन भूत प्रेतों का दम घुटता है। तो इसलिए प्रेमी भक्तजनों, आप निश्चिंत रहें और राम नाम का श्रद्धा भाव और प्रेम से और निरंतरता के साथ जप करते रहें
और अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।